डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। और मैं आज एक वीक बाद कानपुर से वापस अपनी बगिया में आई हूँ। और आते ही सबसे पहले मैं आई हूँ अपने गार्डन में। और गार्डन में देखिए, बरसात हो रही है लेकिन अच्छी खासी हार्वेस्टिंग लगी हुई है, क्योंकि ये लोग हार्वेस्टिंग करना नहीं जानते हैं तो नहीं की। हालांकि बारिश हो रही है तो पानी का तो मुझे चिंता नहीं था, लेकिन हर चीज़ में ये देखिए, इसमें बैंगन ही बैंगन चारों तरफ से लग रहे हैं ये। लेकिन अभी इसका कुछ बिगड़ा नहीं, बैंगन भी हम आके हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये छोटे वाले बैंगन थे, गोल छोटे, और ये देखिए इधर भी बैंगन ही बैंगन लगे हुए हैं चारों तरफ। शायद आपको नज़र आ जाए, ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए और ये देखिए। इसके अलावा मैं मूली बो के गई हुई थी तो देखिए, मूली मेरी सब जर्मिनेशन होके और मूली तैयार हो गई। लेकिन इसके साथ में अभी बुआई के साथ में, खाद के साथ में गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्यों खरपतवार हर प्लांट को दबा लेता है। प्लांट से ज़्यादा खरपतवार निकलता है, तो ये घास सब हम आज उखाड़ेंगे शाम को थोड़ा सा ब्रेक लेके। और मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी बगिया दिखाऊं। ये देखिए हर चीज़ तैयार हो रही है, बैंगन बहुत अच्छे से लग रहे हैं, दरहारी भी तैयार हो रही है जिसको ग्वार फली कहते हैं, भिंडी भी देखिए उधर भी और इधर भी, सब भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए खड़ी है। अरबी के पत्ता भी तैयार हो रहे हैं, इधर भिंडी भी तैयार हुई। लेकिन उसके साथ साथ में आप थोड़ा घास देखिए, धूप है, मुझे घर आते ही बेचैनी हो जाती कि मैं बगिया में चलूं, तो मैंने दिखाया ये देखिए, घास का भरमार हो गई हर ग्रो बैग में, सब्जी के साथ साथ में। ये देखिए घास देखिए, और भिंडी हार्वेस्टिंग भी सब लोग करने को है। ये देखिए बैंगन यहाँ भी लगे हुए हैं, पता नहीं इन लोगों ने कैसे पानी कब डाला, लेकिन हमें ये भरोसा था कि बारिश हो रही है तो प्लांट सूखेंगे नहीं और सब अच्छे से चलते रहेंगे। और देखिए ग्वार की फली फिर से लगने लगी हैं, जैसे बारिश हुई ये देखिए ग्वार की फलियां लगी हुई हैं, इधर से भी पूरी डाले देखिए ग्वार की फली से भर रही हैं। तो ये सब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही हैं। और इधर गुड़ाई करनी है मुझे, देखिए ये पूरी बगिया में हर ग्रो बैग में घास ही घास भरी पड़ी है, तो सब ये चलता है। देखिए भिंडी ये भी हार्वेस्टिंग के लिए खड़ी हुई है। बस यही लगता है कितना भी ये केयर करें, लेकिन ये चिंता रहती है कि हमारे बगिया का कुछ ना कुछ तो बुरा हो गई, क्योंकि हर चीज़ इनको मालूम नहीं होती है। तो ये करते हैं, लेकिन घर वाले बोल जाते कि ये कर देना, लेकिन ये घास वास उखाड़ना नहीं जानते हैं। और ये देखिए अरबी के पत्ते सब तैयार हो रहे हैं, अरबी बो गए थे, ये देखिए हल्दी सब तैयार हो रही है। तो जो जहाँ डाल गए थे वो निकल तो सब आया, लेकिन उसके साथ साथ में घास देखिए आप कितनी प्रबल हो गई है। अभी मुझे पूरा हफ्ता लग जाएगा इसकी इन गमलों की सफाई करते करते। और अगर घास नहीं निकालेंगे तो ये हमारी जितने भी प्लांट निकले इनको सबको ये घास दबा लेती है, और जितने पौष्टिक तत्व हैं सब ले जाती है। तो बस यही मुझे आज आके देखना था कि मेरे बगिया का क्या हाल है। इधर देखिए मैंने कुछ सीडलिंग की थी, जैसे टमाटर की तैयार तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ में घास भी है। अब आज शाम से मैं इनको, जब धूप ख़त्म हो जाएगी तो इनकी सब की रिपोर्टिंग करेंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए बैंगन है, इधर ये टमाटर है, एक हफ्ते में काफ़ी बड़े हो गए हैं सीडलिंग के करने काबिल। ये मिर्ची है, टमाटर बैंगन, ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं। ये देखिए ये भी तैयार हो गए हैं। तो बस यही मैं आपको दिखा रही थी। इधर से हमारे फूल देखिए कितने बढ़िया सारे फूल तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी मिला तो हर चीज़ जानदार हो जाती है बारिश में, बरसात में। इसीलिए तो कहते हैं बरसात सबसे अच्छे फल फूल, किसी का भी प्लांट आप लगा लो किस हर चीज़ आती है, दो चार चीज़ें छोड़ के हर चीज़ बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि उस समय बारिश के मेरा पानी देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी ही इनके लिए अमृत बना समान होता है प्लांट के लिए। तो देखिए ये सारे प्लांट चल रहे हैं। ये मैंने वो लगाया था कद्दू,
ये देखिए पड़ने लगा और फूल पे आ गया है। इस तरह से मेरी बगिया पूरी अच्छी से चल रही है। इधर ये दस भजिया फूल वाइट पिंक और कहीं रेड भी हैं। इस तरह से सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन इन सब में घास है तो इसमें आज घास निकाल के गुड़ाई करके खाद डाल के मैं रिपोर्टिंग करूँगी, और रिपोर्टिंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। धन्यवाद। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे रिपोर्टिंग करते हुए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।